गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण का पाठ एक, भाषा लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने अभ्यास प्रश्न का कार नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। ओके, आज हम खा गा घा इंगा से हम इतने क्वेश्चनों का आज हम आप लोगों को करवाएंगे। ओके, तो सभी अपने अपने बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 8 और 9। ओके, अब यहाँ ध्यान से अपने अपने बुक में देखिए और सुनिए, है ना। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 3, माध्यम, व्याकरण, लिखित भाषा आदि। ठीक है, अब इन ऑप्शनों को देखते हुए आपको इसके अंदर भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम है ना। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का खाली स्थान है, क्या है, माध्यम है। ओके, नेक्स्ट है, भाषा के खाली स्थान रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान से हमें भाषा के सही की जानकारी मिलती है, जिससे मिलती है व्याकरण से। ठीक है, खालिस्तान से हमें भाषा के सही रूप की जानकारी मिलती है, इससे मिलती है व्याकरण से मिलती है। फिर नेक्स्ट है लिखित, भाषा को स्थाई बनाती है। भाषा को स्थाई कौन सी भाषा बनाती है, स्थाई भाषा लिखित जो भाषा होती है, लिखित जो होती है वो भाषा को, लिखित भाषा जो होती है वो भाषा को स्थाई बनाती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे खालिस्तान थे। अब आएंगे हम गा नंबर क्वेश्चन में, आइए से रीड करते हैं। दिए गए कथन में से जो लिखित भाषा से संबंधित है उसके सामने लिखित भाषा तथा जो मौखिक भाषा से संबंधित है उसके सामने मौखिक भाषा लिखो। ठीक है, समझ में आया। लिखित भाषा से जो संबंधित है उसके सामने लिखित भाषा, और जो मौखिक भाषा से संबंधित वाक्य दिया है तो उसे मौखिक भाषा में यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला नंबर है, यह भाषा का प्राथमिक रूप है, कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। फिर है सेकंड, इसे लिखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, किसे, कौन सी भाषा को लिखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, लिखित भाषा को, है ना। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, लिखित भाषा को। फिर है, हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश कार्य इसी भाषा में होते हैं। दैनिक जीवन हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा का ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएगा मौखिक भाषा। यह भाषा का स्थायी रूप है, कौन सा है जो स्थायी रूप होता है, लिखित भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर घा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कुछ प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने इन प्रदेशों की भाषाएं लिखनी हैं। जैसे पंजाब दिया है, तो पंजाब की जो भाषा होती है वो कैसी होती है, पंजाबी। ओके, पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी, और ध्यान से यहाँ पर देखें और सही सही लिखेंगे, है ना। केरल की तेलुगु होती है वहाँ की लैंग्वेज, तमिलनाडु की तमिल, उत्तर प्रदेश की हिंदी, गुजरात की गुजराती, पश्चिम बंगाल की बंगाली, महाराष्ट्र की मराठी, और कश्मीर की कश्मीरी। ओके, ये क्या होती हैं, ये प्रदेशों के नाम हैं और उनकी सामने प्रदेशों की भाषाएं, कि उस प्रदेश में कौन सी भाषा या कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, अब डाट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ इनमें से कौन सी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है या मराठी। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ओके, क्या है, हिंदी है। फिर नेक्स्ट है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, व्याकरण है, भाषा है, लिपि है या कुछ भी नहीं है। हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, या दूसरे हम अपनी बात हमारे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाई, मौखिक, मतलब मुंह के, अपने मुख से वो बोल के ही अपना
कोई भी काम निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? क्या है इसका आंसर? उर्दू, अरबी, संस्कृत, पंजाबी। तो क्या है इसका आंसर? अरबी। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नहीं है? अरबी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग एक मूल व्यक्तियों द्वारा व युद्ध स्थलों पर किया जाता है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा या कुछ नहीं? क्या किया जाता है युद्ध स्तर में? क्या आएगा? सांकेतिक भाषा है, संकेतों के जरिए बताते हैं, संकेत देते हैं कि हाँ चलिए शुरू कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, जिसे हमें वर्ग पहली से संबंधित यहाँ पर करना है। जो हमारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसी की इसके स्क्रीन में आ गया हुआ। ठीक है, तो आज हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 1 यहाँ कंप्लीट किया। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट।